मुझे अभी कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाना होगा। मैं इसलिए तुमसे अभी दूर जा रहा हूं ताकि दोबारा कभी दूर ना जाऊं। लगता है त्रिशूल आ गया है। त्रिशूल, त्रिशूल उठ गया। नहाने गया है क्या? नहीं, वो बाहर गया है। बाहर गया है? इतनी सुबह सुबह कहाँ गया है? शिवानी, क्या हुआ? तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? कहीं तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? मधुमती, क्या हुआ बेटी? त्रिशूल रूम में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। मैंने शिवानी से बहुत बार पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। शिवानी तब कुछ बोलेगी ना जब उसे भी कुछ पता होगा। त्रिशूल कल शाम को गया है किसी जरूरी काम से, और वो जब घर में है ही नहीं तो वो रूम में कैसे मिलेगा? शिवानी, शिवानी, जी बोलिए माँ। शिवानी, त्रिशूल कल से गया हुआ है, अब तक नहीं आया? नहीं। क्या कहा? अभी तक घर नहीं लौटा, तो कहाँ गया? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ अजीब सा हो रहा है और सारा इल्जाम मुझ पे डाला जा रहा है। परसों कोई शिवानी का रूप लेकर आया था और शक मुझ पर किया गया। कल किसी ने मेरा रूप लेकर शिवानी को जान से मारने की कोशिश की थी, तब भी शक मुझ पे ही आया। और अब त्रिशूल घर पर नहीं है, पता नहीं वो किस काम से कहाँ बाहर गया है, तो सारा शक मुझ पे ना आए इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। देखिए, मैं घर छोड़कर नहीं गई, मैं रात भर यहीं थी, ये सबको तो पता है ना? शिवानी, त्रिशूल ने तुम्हें बताया होगा ना कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा था माँ, उसने बस इतना बताया कि बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ किस काम से जा रहा है कुछ भी नहीं बताया उसने। लेकिन शिवानी बेटा, तुमने त्रिशूल को जाने क्यों दिया? तुम्हें तो पता ही है कि दो तीन दिनों से हमारे घर के हालात क्या हैं। अब ऐसे में उसका घर से बाहर जाना मतलब, खैर वो छोड़ो, क्या उसने कोई कारण बताया कि वो क्यों जा रहा? उसने ठीक से कुछ नहीं बताया अंकल। अगर ठीक से पूछती तो जरूर बताता वो। छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? इस घर के बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ। घर के लोगों को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, लेकिन बड़े होने के नाते मुझे तो है। गुरुजी, गुरुजी अनर्थ हो गया। क्या हुआ दिग्विजय? बात यह है कि मेरा बेटा घर नहीं आया। फोन किया तो उसका नंबर नहीं लग रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था, जैसे जैसे अघोर कारकोटक अमावस्या नजदीक आएगी, तुम्हें या तुम्हारे घर वालों पर नाग लोक वालों से किसी भी तरह का संकट आ सकता है। मतलब मेरे बेटे को नाग लोक वालों से संकट हो सकता है? पता नहीं, चलो मालूम करते हैं। ज्वालामालिनी, दर्पण दिखाइए, माया दर्पण दिखाइए। ज्वालामालिनी माँ, ये क्या? ये कौन है गुरुजी? तुम्हारा बेटा मंत्र बंधन में है दिग्विजय।
देखो, वहां देखो, तुम्हारे बेटे पर कोई मंद दिग्बंधन छाया हुआ है। बदला नहीं, इस रूप में तो कुछ भी बदला नहीं। हे महाकाल महारुद्र भैरव, ये क्या है? इसका रूप क्यों नहीं बदला? इसे बदलने की अभिलाषा थी आपकी, इसीलिए तो आपने उससे पूजा करवाई थी ना प्रभु। आपके इस दूध से कोई पूजा में भूल हो गई हो तो बता दीजिए प्रभु। मेरा आदिशेष कहाँ है? मैं उसके लिए यहाँ तक आई थी, तन अलग आत्मा अलग होकर बेजान सी बिना आश्रय के भटकने वाली अतृप्त आत्मा बन चुकी थी मैं। उस आत्मा को शरीर मिल गया, मैं फिर से इस भूलोक पर आ गई, पर आदिशेष को प्राप्त नहीं कर पाई। आँखों के सामने है, हाथ बढ़ाकर छूलूं इतना नजदीक है, फिर भी आदिशेष मुझसे दूर है। और अभी आदिशेष तो इस घर से बाहर चला गया है, शिवानी को छोड़कर वो भला कहाँ जा सकता है? वो घर से बाहर कहाँ गया है ये बात घर वालों को भी पता नहीं है। इसका क्या अर्थ है? मेरा आदिशेष मेरी आँखों से दूर क्यों है? भगवान, मेरा आदिशेष मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ करो। अघोर अमावस आने से पहले उस शिवानी को मार कर नागमणि को प्राप्त करके मुझे आदिशेष को लेकर नागलोक लौट जाना है। नागलोक के अधिपति आदिशेष की महारानी बनकर जीने की आस है मुझे। भगवान, उस पल को मेरे सामने जल्द से जल्द लेकर आओ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरे आदिशेष को मुझे अर्पित कर दो। कहाँ चले गए हो तुम त्रिशूल? पता है ना, मैं तुम्हारे बिना कितनी बेचैन हो जाती हूँ। अजीब सी बेचैनी है, अजीब सा दर्द है, दुख है। मैंने तुम्हें वचन दिया था, याद है ना, कि मैं जीऊंगी या मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही। त्रिशूल, क्यों त्रिशूल, क्यों मुझे छोड़कर चले गए तुम? आकर देखो, देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी बेचैन हो गई हूँ मैं, देखो। कहाँ हो तुम त्रिशूल? भगवान के लिए जल्दी वापस आ जाओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतना इंतजार मत करवाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। समस्त लोक के दुख को अपने कंठ में छिपाने वाले कंठेश्वर, इसके रूप को बदल दो। इसका ये रूप जिसमें आपका ही अंश है प्रभु, कब से ये प्रश्नों के ताबूत में लेटा हुआ है, इसको शांति दो, इसके प्रश्नों के उत्तर दो। नहीं बेटी, ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं, ऐसी हालत में फंस गए हैं हम, समझ में नहीं आता कि क्या करें। अभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अगर आज हमने बात नहीं की तो शायद कल बात करने के लिए हम जिंदा ही न बचे। जब यहाँ आए थे तो लग रहा था कि ये महल है, लेकिन अब लग रहा है तो भूत बंगला है, एक के बाद एक सब गायब होते जा रहे हैं। हमारा नंबर आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बेटी क्या कह रही है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? इससे तो अच्छा होगा कि हम पुलिस कंप्लेन कर दें जाकर। हाँ बेटी, सही कहा, अगर पुलिस कंप्लेन कर दिया फिर तो हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हमेशा हमेशा के लिए इस भूत बंगले में चक्की पीसते रहेंगे हम सब। मामा आप क्या कह रहे हैं ये? और नहीं तो क्या कहूँ, तुम मजाक कर रही हो क्या? अगर पुलिस कंप्लेन कर दिया तो सबसे पहले हमें पकड़कर अंदर डाल देंगे। अरे हम इस घर में नाटक करने के लिए आए थे, आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कहकर सबसे पहले हमें धोएंगे। क्यों बेटी, उसने तो सिर्फ बीवी का नाटक करने के लिए कहा था, तुम तो सच मानकर उसकी बीवी बन गई। देखो बेटी, हम ना किसी चीज पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही किसी इंसान पर। हमारी बात मानो, हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान खतरे में रहेगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे भगवान, देखो बेटी समय सही नहीं है, जिद मत करो। देखो आप दोनों चाहो तो जा सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। क्या कह रही हो बेटी, उस लड़के के लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रही हो? वो और कोई नहीं है, वो मेरा पति है। आप लोग चाहो तो जा सकते हैं, पर मेरा जीवन और मेरी ये सांसें मेरे पति के लिए ही है। शैलू, ओम सूर्य चंद्र आदि आवाहयामि। मानव रूप में त्रिशूल को बदल दीजिए प्रभु, सर्व शक्तियों का आवाहन हुआ है और आप इन समस्त शक्तियों से इसके रूप को बदल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमो हराय, त्रिनेत्राय नमः, ओम कैलाशनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? मेरा बेटा किसी के वश में है? हाँ दिग्विजय, ये माया दर्पण जो दिखा रहा है उससे तो यही लग रहा है। ये जो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है ये किसी मंत्र का प्रयोग सूचित कर रहा है। किसी ने उसे यहाँ से ले जाकर उस पर मंत्र प्रयोग किया है। गुरुजी कौन है, किसका हाथ है इसके पीछे? वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है दिग्विजय। आखिर किसका काम है ये? क्या वो नागलोक से आए हैं या फिर गरुड़ लोक से? माया दर्पण में पूजा की प्रक्रियाओं को देखकर तो लगता है ये जरूर नागलोक से आए हैं। गुरुजी वो मेरा इकलौता बेटा है, एक बेटी थी मैंने उसे खो दिया, ऐसे में अगर उस पर भी कोई मंत्र प्रयोग करे तो अब हम क्या करेंगे? धीरज रखो दिग्विजय, उन्हें ढूंढते हैं। वो कहाँ है, किसने उस पर मंत्र प्रयोग किया है, ये सब ढूंढ कर रहेंगे, लेकिन तुम धीरज रखो। आदिशेष मानव रूपी त्रिशूल, क्या तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है स्वामी जी। तुम पर चतुर शक्तियों का प्रयोग हुआ है, अब केवल एक शक्ति शेष रह गई है। उस शक्ति का प्रयोग तुम पर होने से पहले तुम पर ज्ञान शक्ति का प्रभाव होने वाला है।
हेलो त्रिशूल। नहीं, नहीं चाहिए। यहाँ से जो गया है वो आदिशेष है, लेकिन ये तो शिवानी नहीं है। फिर भी दिखा तो ऐसे रही है जैसे सच में इसने अपने पति को खो दिया हो। किसी को बिना बताए चला गया। अगर वो अपनी पत्नी को साथ ले जाता है तो हम भी निश्चिंत रहते कि वो दोनों अकेले में कहीं बाहर घूमने गए हैं। देखो ना माँ, शिवानी की हालत तो देखो। प्रेग्नेंट बीवी को इस तरह छोड़कर जाना सही है? माँ जी। अंकल, त्रिशूल मिल गया क्या? त्रिशूल के बारे में मैंने सब जगह पूछा, इतना ही नहीं, मैं उसके सारे दोस्तों से भी मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। छे, पहले ही पता नहीं घर को किसकी बुरी नजर लगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और अब एक और मुसीबत। मालकिन, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो सही सलामत आ जाएगा। मधुमती भी आसपास के स्टेट के लोगों से पूछताछ करने गई है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। देखो मधुमती आ गई। माँ, कुछ पता चला? क्या हुआ? सब जगह पूछताछ किया बेटी, वॉचमैन ने भी उसे नहीं देखा। हमारे घर के आसपास के स्टेट और सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उसमें दिख रहा है कि त्रिशूल घर से बाहर जा रहा है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पहले त्रिविक्रम चला गया और फिर घर के मालिक का पता नहीं। रीना भी घर छोड़कर चली गई और अब पता नहीं त्रिशूल भी। लगता है भगवान जी हम सबसे गुस्सा है दमयंती, इसीलिए तो एक के बाद एक, एक के बाद एक तकलीफ दे रहे हैं। ओम रुंड मालिनीये नमः, ज्वाला मालिनीये नमः, चंड मुंडाये नमः, ओम रक्तार्गप्ये नमः। त्रिशूल जहां भी है उस तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखा दो माँ, मार्ग दिखा दो। मार्ग चक्र आवायामी, मार्ग चक्र आवायामी। गुरुजी, आखिर यह है क्या? ये मार्ग चक्र है, ये हमें तुम्हारा बेटा त्रिशूल जहाँ है वहाँ लेकर जाएगा। वहाँ वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? पूजा के अंतिम स्तर से पहले अगर हम वहाँ पहुँच गए तो मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। मार्ग चक्र, त्रिशूल जहाँ भी है वो जगह दिखा दो। ओम पंच शक्ति आवाहयामी। हे करुणा सागर, हे त्रिमकेश्वर, नमन नमन महेश्वर नमन। Oh, no.
स्वामी जी, ये किसका रूप है? भयभीत मत हो, ये अभय रूप है, महाशक्तिशाली का रूप है, असत्य से सत्य की ओर जाने वाले का रूप है। स्वामी जी, आपने कहा कि अभय रूप है और आप कह रहे हैं कि ये बहुत शक्तिशाली भी है, कौन है वो? वो शत्रुओं के लिए एक भयानक सपना है, महायोद्धा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। उफ्स, समझ में नहीं आया क्या? सीआईडी अभय, ये अभय बुरे लोगों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। कानून के विरोध में अगर भगवान भी आके खड़े हो जाएं, तो उनके खिलाफ भी जाकर लड़ जाऊंगा। तो फिर ऐसे में तुम लोग किस खेत की मूली हो? हे भोलेनाथ, त्रिशूल के बदले हुए रूप को आपने दिखा दिया। इस माया भेष से अगर आपको लगता है कि आदिशेष को समस्त सच्चाइयों का पता चल जाएगा, तो प्रभु जैसी आपकी इच्छा। लेकिन स्वामी जी, ये सच है कि मैं अपना रूप बदलना चाहता था, मगर आप तो जिंदा इंसान का ही शरीर लेकर आ गए हैं। फिर इस शरीर की आत्मा आखिर कहाँ गई? जानते हो, इस शरीर की आत्मा तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन स्वामी जी, अगर इस शरीर में मेरी आत्मा है और मेरे शरीर में उसकी आत्मा है, तो कोई मुसीबत नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो शरीर एक बंधन में है। मुझे उस देह की रक्षा करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक महामंडल काल के भीतर एक बार अघोर कार्पोटिक अमावस्या आती है। उस अमावस्या से पहले तुम्हारे जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर तुम्हें खोजने होंगे। तुम्हें सारी सच्चाइयों का पता लगाने का समय केवल उस काल तक ही है, जब तक अघोर कारकोटक का काल नहीं आ जाता है। अगर वो क्षण निकल गया तो तुम तिनके के समान हो जाओगे। याद रखना कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। लेकिन स्वामी जी, मैं इस रूप में घर कैसे जाऊंगा? तुम्हारे पास ज्ञान वाहिनी का भंडार है। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया, तुम्हारा ये रूप आम रूप नहीं है, असाधारण रूप है तुम्हारा। इस रूप का तुम सदुपयोग करो। ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। विजय भाव। हे भोलेनाथ, आपके अंश संभूत को विजय प्राप्ति करवा दो भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भगवान, मेरी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं, उसका कारण तो बताइए। ये त्रिशूल भी पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ है वो, क्यों गया है वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस घर में आने से पहले त्रिशूल मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब लगता है जैसे वो मेरा सब कुछ है। उस त्रिशूल की रक्षा करना प्रभु, वो जहां कहीं भी हो, उसे जल्दी मेरे पास लौटा दीजिए। मैं जी भरकर उसे देखना चाहती हूँ भगवान। मेरे त्रिशूल को जल्दी से मेरे सामने ले आइए भगवान। Thank you.
अपने त्रिशूल को देखना चाहती हूँ, उससे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। उससे पूछूंगी कि वो कहाँ था और क्यों गया था। अगर उसे कोई तकलीफ हो रही है तो वो सारी तकलीफों को मैं अपना लूंगी, लेकिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी भगवान। अगर उसे कोई तकलीफ हो तो मैं देख नहीं पाऊंगी, उसकी सारी तकलीफें मुझे दे दीजिए भगवान। चक्र रुक गया। यही है, यही वो जगह है जिसे हमने माया दर्पण में देखा था। तुम्हारे बेटे पर मंत्र प्रयोग हुआ है। क्या वो किसी संकट में है? नहीं, मेरी दृष्टि में यहाँ पूजा हुई है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पर कोई संकट आया है ऐसा निशान यहाँ नहीं है। अगर उस पर किसी तरह का संकट आता तो यहाँ पर रक्त का निशान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई रक्त का निशान नहीं है। उसके ऊपर सात्विक प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर रक्त का कोई दाग नहीं है। तो फिर मेरा बेटा कहाँ है गुरुजी? उसके साथ क्या हुआ होगा? दिखाई नहीं दे रहा है दिग्विजय, लेकिन एक बात सत्य है, तुम्हारे बेटे के प्राणों को कोई हानि नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा है। गुरुजी, आप अपने शक्ति सामर्थ्य से पता तो कर सकते हैं ना इस पूजा का मकसद क्या है, मेरा बेटा कहाँ है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सात्विक पूजा कार्य को समझने के लिए और उस पूजा का परिणाम क्या हुआ है, हम जैसे जादू टोना वाले नहीं कर सकते। वो क्या है जानने के लिए और उस क्रिया को भेदने की शक्ति सिर्फ मेरे भाई त्रयंबक के पास थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे? आप? मैं अभय। क्या इससे पहले मैं आपसे कभी मिली थी? नहीं, चांस ही नहीं है। मैं इस मंदिर में आज पहली बार आया हूँ। अब जरूरी तो नहीं कि मंदिर में ही मिले हों हम, हो सकता है कि हम कहीं बाहर मिले हों। कभी हमारी बातचीत हुई थी क्या? नहीं, मैंने तो शायद आपको पहली बार देखा है। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको जानती हूँ, कहीं देखा है आपको, जैसे हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, जबकि मैं आपका नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। अभय नाम के किसी को नहीं जानती मैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं देखा हुआ है। इनफैक्ट आपसे बातें भी की है मैंने। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपने मुझे इससे पहले कहीं देखा है? नहीं मैडम, मैंने कहा ना कि आज मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। I'm sorry, मैं ऐसे ही किसी भी अजनबी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपको देखकर बात करने का मन हुआ मेरा, इसलिए पूछ लिया। It's okay मैडम, no problem। प्रसाद मिलेगा मुझे? हाँ है, भगवान से आपने बहुत कुछ मांगा है। हाँ, घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझिए जो समस्या आई है आगे चलकर वो सारी समस्याओं को ठीक कर ही देगी। वो जल्दी से लौट कर आ जाए मेरे पास, मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? धनंजय, क्या हुआ? तुम ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? और सुबह तो तुम त्रिशूल को ढूंढने गए थे ना? मिल गया? सब ठीक है ना? नहीं मिला, इसीलिए शिवानी को बुला रहा हूँ। उसे आने दीजिए, उसे जवाब देना होगा। किसे जवाब देना चाहिए अंकल? आ गए तुम, सत्य से बेखबर, सत्य की खोज में तेरा मन चिंता का घोंसला बन गया है ना? जी स्वामी जी, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है मैंने कोई भूल की है। मेरी पत्नी शिवानी दिन रात मेरा इंतजार ही कर रही है। मैं उसके सामने खड़ा था लेकिन मैं उसे बता नहीं पाया कि मैं ही त्रिशूल हूँ। ये कैसी परीक्षा है स्वामी जी? तुमने अपने आप को परिशुद्ध करके वो क्रिया की है जिससे कि तुम सही मार्ग पर जा सको। ये उस भोलेनाथ की इच्छा है। शिवानी को इस तकलीफ से गुजरता हुआ मैं नहीं देख सकता। लगता है मन में कोई सुई चुभ रहा है। काश मैं उसे बता सकता कि मैं ही त्रिशूल हूँ। बड़ी भूल होगी। तुम त्रिशूल कहाँ है? बताया तो था, मैं नहीं जानती। मतलब स्वामी जी ने तुम्हारे बारे में सही कहा था? स्वामी जी क्या कह रहे थे वो, बताओ हमें। जब मैं त्रिशूल को हर जगह ढूंढ रहा था तो मुझे एक स्वामी जी मिले थे, और वो कोई आम इंसान नहीं थे, महान थे। जब मैंने इस घर की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही। क्या है समस्या? समस्या ये है भगवान के नियमों का उल्लंघन करना सही नहीं है त्रिशूल। लेकिन जो कष्ट वो सह रही है मुझसे वो देखा नहीं जा रहा स्वामी जी। उसे प्राप्त तकलीफें अग्नि प्रवेश करने वाली सीता माँ जैसी नहीं है। अग्नि में ही अपने प्राण त्यागने वाली सती जितनी बड़ी नहीं है। जब देवी देवताओं ने इतने संकटों का सामना किया तो फिर एक सामान्य मनुष्य क्या है? आज का दुख संकट का फूल ही कल को कोई सुकून का फल दे जाएगा भोलेनाथ। उस त्रिप्रांतकारी काल ज्ञानी महेश्वर ने तुम्हें एक लक्ष्य दिया है, उसके साथ उस लक्ष्य को पाने का मार्ग भी बताया है। जब तुम नई नई आई थी उसके कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी गायब हो गई। इन सब के बाद तुम्हारा रूप लेकर कोई घर में आकर तुम्हें उठा कर ले जाता है। अब देखो त्रिशूल भी दिखाई नहीं दे रहा। अब इन सब का कारण सिर्फ तुम हो। ये बातें मैंने नहीं कही, स्वामी जी ने कही। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही समाधान है, तुम इस घर में अब नहीं रहोगी। तुम्हारी वजह से इस घर में समस्या नहीं होगी और ना मेरे बेटे को तकलीफ होगी। बेहतर होगा जाओ। ये क्या कह रहे हो बेटा? सही कह रहा हूँ, इस घर में एक क्षण भी नजर नहीं आओगी। अगर तुम यहाँ रह गई तो इस घर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर उससे बचना है तो तुम्हें इस घर से निकलना होगा। देखिए, वो इस घर की बहू है, उसे इस घर से जाने के लिए कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हम सब जानते हैं कि इस घर की समस्या का मूल कारण यही है। दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से समस्या रुकती नहीं है। बेहतर होगा इसे यहाँ से निकाल दो। हे नागिन, तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। बाहर जाओगी तभी मैं तुम पर लगाम लगा सकता हूँ और मैं तुम्हारा नाश कर सकता हूँ। तो क्या
घर के बहू को घर से बाहर निकाल देंगे। जरा बुद्धि का इस्तेमाल करो। घर में जलाए दिए से अगर घर में आग लगती है तब उसे प्रसाद समझकर तुम उसे स्वीकार तो नहीं कर लोगी ना? अगर आग है तो ये बात तय है कि बर्बादी होगी, इसलिए उससे दूर रहना बेहतर है। और वही काम आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा घर है, अब तो इस घर से सिर्फ और सिर्फ मेरी अर्थी ही निकलेगी। अंकल, यदि तुम इस घर में रह गई तो सबसे पहले ये घर वाले मरेंगे, उसके बाद ही तुम्हारी मौत होगी। ये जानते हुए भी हम मौत को घर में नहीं रख सकते हैं, निकल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अचानक इसे घर से बाहर निकालेंगे तो कहाँ जाएगी? ये इस घर की बहू है और यहाँ रहना इसका धर्म है। आप खुद कहीं से आकर इस घर पर हक जता रहे हैं? यहाँ से ये नहीं तुम्हें निकलना चाहिए, समझे? अपनी बकवास बंद कर। जिसके साथ बोनस में आया है ना, तू भी निकल यहाँ से। अपना लगेज लो और निकलो इस घर से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? जिस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं वहां मैं अपने जूते भी ना छोड़ूं। पंकजा, खड़े खड़े क्या देख रही हो? लगेज पैक करो, चलो यहाँ से। संजय, इन्हें रोक लो बेटा, रोक लो इन्हें, रोको ना। सुनिए, देखिए। चलो बेटी, प्लीज चलो। खड़े खड़े क्या देख रही हो? चलो, आप रुकिए। सुनो, इसने गुस्से में कहा है, तुम तो जानती हो ना। देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, उनके सामने हाथ मत जोड़िए। आइए। मालिक, मालिक, त्रिशूल भी घर पे नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मालिक, उन्हें रोक लीजिए प्लीज। बात नंदीश, देखो मैंने सब सोच लिया है, अपना मुंह बंद रखो। देखो माँ, मैंने इनसे ये घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। मैं इस घर का बेटा हूं। अगर मैंने कोई फैसला किया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा और उद्देश्य भी होगा। अब देख क्या रहे हो, घर से धक्के देके निकालो क्या? निकलो। चलती हूँ मैं दादी, आशीर्वाद दीजिए। शिवानी बेटा, नंदशंकर, शिवानी, घर छोड़कर मत जा बेटी, इस माँ की बात मानो। तुम पेट से हो, ऐसे में घर छोड़कर नहीं जाते। शिवानी, मेरी बात मानो बेटी। अब चलती हूँ माँ। शिवानी, आज तेरे नाटक का अंत कर दिया है मैंने। निकल यहाँ से। शिवानी, बेटा, लीजिए प्रसाद खाइए। ओके। ये कौन है? मुंह खोलिए। प्रसाद को मना नहीं करते। हाँ,
आप भी लीजिए। आप भी मुंह खोलिए। कम ऑन। आप ओके। दादी आप भी प्रसाद खा लीजिए। तो क्या कह रहा था मैं? लगेज, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इन्हें कौन भेज रहा है यहाँ से? कौन हो तुम? मैं इस घर का बेटा त्रिशूल।